हेलो एवरीवन, पेटेंट्स एक्ट 1970 में आज हम बात करने जा रहे हैं पेटेंट ऑफिस और उसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि पेटेंट ऑफिस कैसा होना चाहिए, कौन लोग होने चाहिए, उसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ कहाँ होगा, कैसे होगा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 73 बात करता है कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर्स। इसमें अपॉइंटमेंट की बात बताइए कि जो कंट्रोलर होगा और अदर ऑफिसर्स होंगे वो कैसे अपॉइंट होंगे। तो कंट्रोलर जो होता है कोई भी पेटेंट का, वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का ट्रेडमार्क एक्ट जो बना हुआ है उसके सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 में बता रखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर कैसे होगा। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट का अपॉइंटमेंट ट्रेडमार्क एक्ट में बता रखा है सेक्शन 3(1) में 1999 में, तो उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर अपॉइंट होता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है सबॉर्डिनेट पर्सन, अदर एग्जामिनर्स और ऑफिसर्स जो होते हैं। सबॉर्डिनेट पर्सन मतलब कंट्रोलर के सबॉर्डिनेट में जो पर्सन है, एग्जामिनर या ऑफिसर्स, कंट्रोलर सबसे ऊपर है, उनके नीचे अदर एग्जामिनर हैं और ऑफिसर्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। उसके बाद कंट्रोलर के पास ये पावर होती है कि वो सुपरिटेंडेंस वाली पावर होती है, जैसे सुपरिटेंडेंस एक पुलिस में भी होता है तो उसके पास पावर होती है डायरेक्शन देने की, तो वैसे ही कंट्रोलर के पास एक पावर होती है, वो डायरेक्शन दे सकता है उन ऑफिसर्स को, उन एग्जामिनर्स को कि किस तरह उनको काम करना है। फिर इसमें आगे बात करिए कि अगर कोई पेटेंट की एप्लीकेशन या फिर कोई केस ऐसा चल रहा है जो बहुत लंबे टाइम से प्रोसीडिंग चल रही है उसकी, तो जो कंट्रोलर है अगर उसको लगता है कि इसकी प्रोसीडिंग एक वापस शुरू होनी चाहिए, नए सिरे से शुरू होनी चाहिए, डी नोवो जिसको हम बोलते हैं, नए सिरे से, तो कंट्रोलर वो भी कर सकता है, वो ऑर्डर इशू कर सकता है कि आपको ये जो केस चल रहा है या फिर ये जो एप्लीकेशन फाइल हुई पड़ी है इतने टाइम से पेंडिंग है, तो इसको खत्म करने के लिए डी नोवो एक नए सिरे से आपको इस काम को करना है, और उसके लिए वो ऑफिसर्स को डेजिग्नेट कर सकता है या फिर एग्जामिनर्स को बता सकता है कि आपको ये काम देखना है, वो डायरेक्शन दे सकता है। फिर सेक्शन 74 में बात करी है पेटेंट ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेज कि पेटेंट ऑफिस कहाँ का होना चाहिए और इसकी ब्रांचेज कहाँ कहाँ होनी चाहिए। तो बता रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गजट में हर जगह स्पेसिफाई कर सकती है कि किस किस जगह पेटेंट ऑफिस होना चाहिए। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आज मोस्टली सारी जगह हर डिस्ट्रिक्ट में एक पेटेंट ऑफिस हो ही जाता है, मिल जाता है। उसके बाद इसमें बात करी है कि जो ऑफिस होगा उसकी एक सील होगी। अगर कोई भी सपोज मान लीजिए एक दिल्ली का ऑफिस है, जयपुर का ऑफिस है, मुंबई का ऑफिस है या कहीं भी किसी का जगह का भी ऑफिस है, उसकी एक स्पेसिफिक जो सील होगी वो उसके ऑफिस की एक सील होनी चाहिए। सील सिंपल जो सील नॉर्मल सील होती है वही। उसके बाद इसमें सेक्शन 75 में बता रखी है कि जो लोग एग्जामिनर या ऑफिसर्स जो भी हैं, अगर वो गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया हुआ है पेटेंट के काम के लिए, तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके जो पेटेंट इशू करेंगे उसमें उनका कोई राइट या इंटरेस्ट हो रहा क्रिएट होता हो। सपोज मान लीजिए आज मैं कोई ऑफिसर हूँ पेटेंट के ऑफिस में, तो मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कोई एक इन्वेंशन जिसका मैं पेटेंट करवाने जिसका कोई पेटेंट करवाने वाला है उसमें मेरा इंटरेस्ट या मेरा राइट हो, तो वैसा मैं नहीं करूंगा। ये मुझे साफ मना है एक ऑफिसर या फिर एक एग्जामिनर को जो ऑफिस में डेजिग्नेटेड है पेटेंट ऑफिस में। सेक्शन 76 में बात करी है ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय नॉट टू फर्निश इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी जो पेटेंट से रिलेटेड है, उस पेटेंट सपोज मान लीजिए कोई पेटेंटी ने एप्लीकेशन फाइल करी है और उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है, तो वो उस पर्सन को जब तक इन्फॉर्मेशन ग्रांट नहीं करेंगे या फिर उसके बारे में नहीं बताएंगे कि उसकी गलती है या सही है, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कंट्रोलर या फिर कोर्ट ऑर्डर कर दे। और कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर ऑर्डर किसी भी चीज़ के लिए करेंगे तो वो चीज़ होगी कि वो सिर्फ और सिर्फ जहाँ इंस्टीट्यूशन का फायदा होगा, जहाँ इंस्टीट्यूशन को जरूरत होगी, जो पेटेंट ऑफिस है उसके लिए किसी चीज़ की जरूरत होगी तो वो फाइल कर सकते हैं कि वो किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो निकाल सकते हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए अगर सर्च करनी है, कोई रिकॉर्ड सर्च करना है पेटेंट ऑफिस का उसके लिए काम कर सकते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और या फिर कोई पेटेंट ऑफिस में कोई चीज़ लॉज हुई है तो उसके ध्यान में रखते हुए वो काम कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी भी काम को ऐसा नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर या कोई कोर्ट उनको बोले नहीं ये काम करने के लिए। दिस इज द सेक्शन चैप्टर पेटेंट ऑफिस एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।